हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बुकमार्क टूलबार क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये, और इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर पेज का रखा मैंने ये। तो अगर आपको जानना है कि बुकमार्क टूलबार क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं, तो फिर आगे वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आइए। जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन होगा, इसलिए जैसे आप होवर लेके आएंगे तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ जाएगा, इसमें क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ नीचे ये देखिए रेड कलर का बटन है, इसमें क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स डालते हैं हिंदी में, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बुकमार्क टूलबार क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये एक इंडिविजुअल जो जनरल यूजर होता है उसके लिए भी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मार्केटर होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक बना रखा है हेल्थ के नाम से फोल्डर बना रखा है, ये एक फोल्डर है, ये सारे के सारे फोल्डर हैं, और ये यहाँ पर जो S2H है ये पेज का नाम है। तो देखिए, ये जैसे टेक्नोलॉजी न्यूज़ है, अगर मेरे को क्या होता है अपने डेली का जो मेरे काम होते हैं वो, और जो मेरे डेली के काम होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उनको एक फोल्डर में डाल सकता हूँ। जितने भी वेब पेज में विजिट करता हूँ, जो मेरे इंपॉर्टेंट वेब पेज होते हैं, मैं उनको एक फोल्डर में डाल सकता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर न्यूज़ का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर मैंने न्यूज़ 1, न्यूज़ 2, न्यूज़ 3, ये न्यूज़ 5 करके डाल रखे हैं, और जितने भी पेज होंगे मैं इनके अंदर डाल सकता हूँ। जैसे देखिए, न्यूज़ का पेज है, और इस पेज को अगर मेरे को खोलना है तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके नेक्स्ट टैब में खोल सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली इसी में क्लिक करके मैं इसको खोल सकता हूँ। ये देखिए, खुल गया। तो ये मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डेली मतलब पोस्टिंग करनी है, अपने ब्लॉग को फेमस करना है या वेबसाइट को फेमस करना है, और आपको पता नहीं रहता है कि कौन कौन से वेबसाइट या ब्लॉग में आप पोस्ट कर चुके हैं और कौन से में आपको करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुकमार्क टूलबार कैसे क्रिएट करते हैं या इसको कैसे विजिबल करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये टॉप में जो है, यहाँ पर जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ही आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस होते हैं मेन्यू बार, आपके उसमें जैसे मेन्यू बार यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो होता है ये एक्टिव नहीं होता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद मेन्यू बार में जैसे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ मेन्यू बार दिख जाएगा, और ये टूल बार आपका विजिबल नहीं होता है। इसको टूल बार को करने के लिए क्या करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, आपको बुकमार्क टूल बार जो एक्टिव करना होता है उसके लिए सेम वही प्रोसेस है। मेन्यू बार के जस्ट यहाँ पर देखिए बुकमार्क टूल बार है, इसको जैसे आप करेंगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। मेरे उसमें भी इतने फोल्डर्स हैं और पेजेस हैं, आपके उसमें ये नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुकमार्क में क्लिक करना है और शो ऑल बुकमार्क में क्लिक करना है। दूसरा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर ही लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक नई विंडो खुल जाती है, अटैच विंडो खुल जाती है, यहाँ पर आपको बुकमार्क दी जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, बुकमार्क टूलबार, बुकमार्क मेन्यू और अनसॉर्टेड बुकमार्क। तो इससे पहले हमने ट्यूटोरियल में सीखा था कि बुकमार्क मेन्यू को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ये बार बार बुकमार्क खोलना नहीं पड़ता, हमको यहीं पर टूलबार में मिल जाता है। टूलबार वो होता है, वो एरिया होता है जहाँ पर हम हमारे सारे के सारे टूलबार टूल्स होते हैं जिनको इजी टू एक्सेस होते हैं, वो क्लिक करते ही हम उनसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बुकमार्क टूलबार ये होता है, बुकमार्क टूलबार के अंदर मैंने इतने सारे फोल्डर बना रखे हैं। अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आपने यहाँ पर करना है राइट क्लिक बुकमार्क टूलबार के ऊपर और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और फिर इसका नाम रख देना है। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ न्यूज़, नाम मैंने रख दिया इसका, तो ये मेरा जो है पेरेंट फोल्डर बन जाएगा न्यूज़। अब ये देखिए, यहाँ पर न्यूज़ विजिबल भी हो गया। अगर आपको इसके अंदर चाइल्ड फोल्डर बनाना है तो आपने इस फोल्डर में क्लिक करना है और फिर नया फोल्डर बनाना है और यहाँ पर लिखना है हिंदी न्यूज़। देखिए हिंदी न्यूज़ बन गया। अब उसके बाद फिर आपने ये इसके अंदर देखिए, ये आपको हिंदी न्यूज़ मिल जाएगा। अगर आपने फिर इसका एक और इस फोल्डर के साथ साथ हिंदी न्यूज़ के साथ इंग्लिश भी बनाना है, और वो आपका न्यूज़ फोल्डर के अंदर होगा और हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ अगल बगल होंगे, तो आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर में क्लिक करना है और यहाँ पर
इंग्लिश न्यूज़ आपने क्लिक करा तो ये देखिए इंग्लिश न्यूज़ बन गया। अब आप एक और क्लिक क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो आपके जितने भी फोल्डर होंगे आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेक न्यूज़। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेब पेज कैसे डालना है। तो ये आपका फोल्डर बन गया। तो वैसे तो आप यहाँ पर से अगर आपको कोई वेब पेज मिल रहा है तो आप उसको डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर इसको क्लोज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे डालना है। जैसे ये एक टाइम्स जॉब का है, तो ये जॉब वाला अगर आपने डालना है, किसमें डालते हैं, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे ये न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है लेकिन जॉब की न्यूज़ से रिलेटेड है, तो हमने ये डालना है, इसको डाल देते हैं हम टेक न्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो टेक न्यूज़ के अंदर डालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो URL डालना है, ये मेन जो होता है ये उसकी लोकेशन होती है। तो इसको लोकेशन को गाइड करने के लिए हम देखते हैं, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर होवन लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर होवन लेके आ रहा हूँ, तो आप इस एरिया में देखिए यहाँ पर एक URL दिखा हुआ जाएगा। आप यहाँ पर देखना, जैसे मैं होवन लेके आऊँगा ये वाला एरिया देखना, यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा लोकेशन। अब ये देखिए मैं होवन लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है देखिए timesjob.com, ये timesjob.com है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं, न्यूज़ के ऊपर होवन लेके आएंगे तो ये फोल्डर नीचे को ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। उसके बाद आपने जिसमें डालना है, जैसे यहाँ टेक न्यूज़ 4 में डालना है, तो आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये देखिए वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर आ गया। अगर आपको ये दोबारा खोलना है तो ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट टाइम में खोल देता हूँ। नेक्स्ट टाइम में खोला तो ये देखिए यहाँ पर खुल रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए बुकमार्क भी बना हुआ आ गया कि हमने ये पेज बुकमार्क करा था। अब अगर आपको इसको बुकमार्क से हटाना है तो आप इसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से इसको रिमूव बुकमार्क कर देंगे, तो ये बुकमार्क से हट जाएगा आपका। और न्यूज़ फोल्डर में यहाँ पर देखिए कोई भी बुकमार्क नहीं होगा, अब देखिए एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर से डालना है, आप ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें डबल क्लिक करना है। इसमें जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, या तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, जॉब्स इन इंडिया इसको डाल देते हैं, टाइम्स जॉब डाल देते हैं इसका, ताकि ये आपको ये नाम जो है ये आपको इजी टू रिमेम्बर होगा, ये आपको याद हो जाएगा कि ये टाइम जॉब जो है वो किस वेबसाइट से लिंक है। उसके बाद आपको क्या करना है, किस लोकेशन इसको बतानी है, इस न्यूज़ के अंदर टेक न्यूज़ के अंदर डालना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, अगर वो एक्टिव होता तो आपको मिल जाता, तो ये अब देखिए न्यूज़ है, न्यूज़ में चले जाएगा, नहीं तो ये करेंट में चले जाएगा। इसके जैसे यहाँ पर ये 3 है, इसके साथ एक वेबसाइट भी आ जाएगी, चौथी हो जाएगी, लेकिन हमको डालना है ये इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक करा, इसको करा और यहाँ पर चूज में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो हम ये डाल कहाँ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन है। तो हम बुकमार्क मेन्यू में नहीं डाल रहे हैं, ये जो एरिया होता है वो होता है बुकमार्क टूल बार का। तो हमें क्या करना है, टूल बार को खोलना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना फोल्डर चूज़ करना है, ये वाला न्यूज़। तो ये वाला न्यूज़ फोल्डर हमको कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे लास्ट में मिलेगा। ये हमने खोला, इसको खोलते ही हमारे पास 3 फोल्डर मिल गए, हिंदी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ और टेक न्यूज़। तो हमने क्या करा, टेक न्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अगर हमें डालना है, जॉब डालता हूँ मैं, ये टैग होते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था टैग क्यों होते हैं। टैग ये होते हैं कि एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप इन पेजों को टैग कर सकते हैं, मतलब इन पेजों को एक इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि ये वाला जो पेज है वो जॉब कीवर्ड के साथ अटैच हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा मैं भी आपको बताता हूँ। इसको जैसे हम डन करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए ऐड हो गया होगा, ये देखिए टाइम्स जॉब जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पर इसको नाम मिल गया। अगर हमको बाद में सर्च करना है, मान लीजिए मैं ये पेज कोई खुले नहीं है और मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जॉब डालता हूँ जो हमने अभी टैग दिया था, ये देखिए टाइम जॉब आ गया और यहाँ पर ये टैग बता रहा है कि हमने इसको जॉब नाम का टैग दिया है। तो ये तो था इसका। अब मान लीजिए जैसे ये खेल वाला है, हिंदी न्यूज़ है, तो हिंदी न्यूज़ में क्या करना है, अब ये इनका जो लोगो होता है, लोगो में इनका एड्रेस होता है ये वाला, तो मैं लोगो लेके आया तो यहाँ पर देखिए ये BBC हिंदी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर bbc.co.uk आ रहा है, तो ये हिंदी में नहीं आ रहा क्योंकि हमें ढूंढना है हिंदी, तो हिंदी नहीं आ रहा हिंदी के लिए। ये देखिए यहाँ पर आप फिर से नीचे देखिए, यहाँ पर BBC हिंदी लिखा हुआ आ गया, ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर होवर लेके आऊँगा यहाँ पर ये BBC हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए हिंदी लिखा हुआ आ रहा। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, न्यूज़ में लेके आता हूँ होवर, अभी ड्रॉप नहीं कर रहा था, मैंने इसको पकड़ ही रखा है। तो यहाँ हिंदी न्यूज़ में मैं लेके आया और हिंदी न्यूज़ में मैंने यहीं पे ड्रॉप कर दिया, तो अब ये देखिए BBC लिखा हुआ आ गया।
अब मैं इसको खोलता हूँ तो यही वाला पेज सेम खुल जाएगा। सेम यही हम आज तक के साथ करते हैं। तो आज तक का जो क्या होता है, यूआरएल क्या है, आज तक डॉट इन टूडे डॉट इन है। तो हम ये यहाँ पर जैसे होगा लेके आता हूँ तो नीचे यहाँ पर ही देखें, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैंने इसको पकड़ा और न्यूज़ में लेके आया मैं हिंदी में। थोड़ा सा लोगो बड़ा हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब ये एक्टिव है। मैंने ड्रॉप करा तो यहाँ पर हो गया। अगर ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका कहीं आ जाता है, यहाँ ड्रॉप हो जाता है, तो आपने इसको सिंपली पकड़ना है और इधर ड्रॉप कर देना है, तो ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। और लाइक करके इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, यहाँ पर लाइक बटन है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल डालते हैं, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। और इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्पेशली मैं मार्केटर्स के लिए बताऊंगा, जो जो फेसबुक में मार्केटिंग करते हैं उनको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ताकि वो उनका जो काम है वो बहुत फास्ट हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू इंग्लिश।